जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल 26 जून से 2 जुलाई तक 12 राशियों की, क्या धन की, परिवार की, उनके करियर की स्थिति होगी। इस कार्यक्रम में इस सप्ताह के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको अगर पसंद आए और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो सप्ताह है 26 जून से 2 जुलाई में एक गोचर, बड़ा गोचर होने जा रहा है, वो हो रहा है मंगल का राशि परिवर्तन। 1 जुलाई से होने जा रहा है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे, रोचक योग का निर्माण कराएंगे, जिससे ज़्यादातर राशियों के रुके हुए काम बनने वाले हैं या रुका हुआ धन उनको मिलेगा, वो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि का अगर ये सप्ताह देखा जाए तो धन और तृतीय भाव का संबंध बन रहा है, इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। यानी ये सप्ताह मेष राशि के लिए बड़ा एनर्जेटिक भी रहेगा और लाभदायक भी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में यानी कि देखा जाए 26 जून से लेकर और 29 जून के बीच में अचानक आपको कहीं से धन मिल सकता है, जान पहचान से आपको धन लाभ हो सकता है, माता पिता या कोई रिश्तेदार आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर यदि मेष राशि वाले इन 3-4 दिन जाते हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है। बाकी ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस सप्ताह करियर में देखा जाए तो करियर में आप अच्छा खासा बिजी रहने वाले हैं, यानी आप पे टाइम ही नहीं होगा कोई काम करने का। यानी ये सप्ताह आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा, अपने वर्क को पूरे फोकस और डेडिकेशन से पूरा करने वाले हैं। हाँ, वीकेंड में किसी पार्टी समारोह में जाने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंत में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सप्ताह का अंत का मतलब 30 जून से लेकर और 2 जुलाई यानी ये 3 दिन आपको गले की ENT की प्रॉब्लम रह सकती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है, साथ ही किसी मांगलिक या धार्मिक काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है, या तो मंदिर में जाना पड़ सकता है या किसी के घर में कोई शुभ मांगलिक काम होगा वहाँ जाना पड़ सकता है। तो ये जो 3 दिन है इसमें आपको ठंडे से परहेज रखना है, क्योंकि पार्टी फंक्शन में ज़्यादातर लोग ठंडा यूज़ करते हैं तो बचिएगा। साथ ही साथ लव एंड रिलेशन के लिए बात करें तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा लव एंड रिलेशन पति पत्नी के लिए अच्छा रहने वाला है। पार्टनर आपको खुश करने के लिए तरह तरह के डिश आपको खिलाएंगे या पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपके मन मुताबिक चीज़ें कर सकते हैं। यानी पार्टनर आपको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करने वाले हैं और पार्टनर आपके लिए जमकर शॉपिंग करने वाला है, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट इस सप्ताह देने वाला है। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए देखा जाए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह 26 जून से लेकर और 2 जुलाई तक अगर देखा जाए तो तृतीय और अष्टम का संबंध बन रहा है, यानी कि ये जो सप्ताह है प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा, यानी मिला जुला रहने वाला है। तो इस सप्ताह देखा जाए मंगल जो है, मंगल के कारण आपको जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं होता यानी 1 जुलाई से पहले 26 जून से लेकर और देखा जाए 1 जुलाई तक आपका अपयश योग बन रहा है, यानी करियर या कारोबार में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्लाइंट से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, सीनियर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं और ये स्थिति आपकी 2 जुलाई से बदल जाएगी जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो इस सप्ताह वाहन, मोबाइल या लैपटॉप पे आपका खर्चा भी आ सकता है, क्योंकि मंगल थोड़ा आपके लिए अशुभ है, और देखा जाए तो इन चीज़ों में आपका खर्चा होगा। साथ ही साथ घर के रेनोवेशन पे
भी आपका, या बिजली पे, कूलर पे, एसी पे भी आपका खर्चा रहेगा, यानी आपका बजट बिगड़ सकता है देखा जाए तो 1 जुलाई तक, क्योंकि मंगल की कुदृष्टि आपके ऊपर है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह अगर आप किसी को चेक साइन करके दे रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो आपका सिग्नेचर मिसमैच होने से आपका साइन चेक बाउंस हो सकता है, जिससे कि आपके ऊपर आपके पैसे कट सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, किसी को चेक साइन करके दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साइन पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ देखा जाए घर के अंदर सदस्यों से भी थोड़ा मनमुटाव, पार्टनर से आपका मनमुटाव रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित भाई बहनों से मनमुटाव रह सकता है, जीवन साथी से भी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह खासकर 1 जुलाई तक तो बिल्कुल खराब सा नजर आ रहा है। माता दी कोठारी जी, कोठारी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बता दीजिए। मैं तकरीबन 15-16 सालों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जब जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के पास आता हूँ और मुझे उसका समाधान मिलता है, और जब भी आया हूँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जी, अच्छी एक राह दिखाते हैं और जैसे जैसे वो उपाय बताते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो उपाय करते हैं और अच्छा ही होता है जी। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो जो भी गुरुजी ने मंत्र दिया, उपाय दिया, आपने उसको किया और आपके जीवन उसका अच्छा प्रभाव जी बिल्कुल जी। चलो ठीक है, जय माता दी। बाकी माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है जी। जय माता, जय माता। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 26 जून से लेकर और 2 जुलाई तक देखा जाए तो किसी टॉपिक को लेकर सीनियर से बहस इस सप्ताह हो सकती है, बेफालतू के आपके वाद विवाद रहेंगे। स्वास्थ्य में ENT, गले की समस्या या पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या हल्की फुल्की आपको रह सकती है, यानी ये सप्ताह थोड़ा सा परेशान करने वाला मिथुन राशि का रह सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में जो ग्रह गोचर हो रहा है तो हल्का सा गजकेसरी योग की झलक इस सप्ताह आपकी बन रही है, यानी कि पुराने काम से अचानक आपको धन लाभ होगा, धन की डील हो सकती है पुराने क्लाइंट से, और धन आपका पूजा पाठ में खर्च भी होगा, या किसी संस्था को आप धन कुछ दान धर्म करने वाले हैं तो उसमें आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो वही हल्का जो गजकेसरी योग बन रहा है, करियर संबंधी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ शुभ समाचार इस सप्ताह मिल सकता है। करियर में के लिए अगर देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा है, काफ़ी कुछ चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ऑनलाइन आपको सीखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आप बैठकर सीख सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए तो और ख़ासकर इसका वीकेंड देखा जाए इस सप्ताह का, तो हॉलीडे पे पार्टनर के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा के अचानक आपके योग बनते हैं, यानी प्लान में नहीं होगा, अचानक आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी बेहतर है करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, धन के लिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि का इस सप्ताह गज केसरी योग जो हल्का बना है वो आपका बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बधाई हो कर्क राशि वालों। ये जो सप्ताह है रुका हुआ काम, सरकारी काम, टैक्स का, TDS का काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपको 2 जगह से धन लाभ हो सकता है, यानी कि 2 सोर्स ऑफ इनकम से आपको इनकम प्राप्त होगी। साथ ही साथ कुछ धन आपके संतान के कॉपी किताबों पे, संतान की ड्रेस पर भी खर्च होगा, तो कुल मिला के संतान पे आपका खर्चा बना रह सकता है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो बॉस का मूड आपके प्रति कुछ अच्छा नहीं रहेगा, आपके अच्छे अच्छे आइडिया को भी वो रिजेक्ट करने वाला है, यानी कि बॉस से हल्का फुल्का मतभेद रह सकता है, वैचारिक मतभेद रह सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ इस सप्ताह किसी को धन उधार अगर कर्क राशि वाले दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, तो धन उधार देते हुए सोच ले। इस सप्ताह आपको कोई भी नया शेयर में इन्वेस्टमेंट या कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर को, जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है चाहे पति पत्नी है, आपके पार्टनर को घर संबंधी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपके पार्टनर के, आपके
माता पिता से मतभेद रह सकते हैं, भाई बहन से मतभेद रह सकते हैं, जिससे कि घर के अंदर तनाव हो सकता है। साथ ही साथ पार्टनर को हड्डियों या ज्वाइंट की थोड़ी समस्या भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए ये सप्ताह बड़ा सुकून भरा, आनंद भरा रहने वाला है। यानी कि देखा जाए तो जो आपने प्रयास किए हैं इस सप्ताह, उसके जो रिजल्ट हैं वो संतोषजनक रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो मन के अंदर टेंशन थी, जो कुंठा थी, उसके भी संतोषजनक आंसर आपको मिलने वाले हैं। थोड़े शांत रहने वाले इस सप्ताह। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी आपकी शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए संतान भाई बहन से मतभेद दूर होंगे, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। संतान को हल्की फुल्की ENT की प्रॉब्लम या पेट संबंधी परेशानी इस सप्ताह यानी 26 जून से 2 जुलाई में रह सकती है। अब बात करें धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति देखा जाए तो इस सप्ताह खर्चे वाली रहेगी। पहला इनकम टैक्स या GST पे आपका खर्चा हो सकता है, सरकारी रुके हुए काम पे आपका खर्चा हो सकता है, घर में लकड़ी के काम पे, टाइल के काम पे आपका धन खर्च हो सकता है। यानी इस सप्ताह खर्चे लायबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा रहेगी। इनकम भी अच्छी मिलेगी लेकिन लायबिलिटी उससे ज़्यादा है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के बारे में बात करें, जो शनि बैठे हैं नौकरी के लिए, ये समय जो शनि वक्री हो गए 17 जून से, अब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। करियर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। कहीं नौकरी में इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। काम में करियर में दौड़ा भागी ज़्यादा रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अचानक से ही आपको इस सप्ताह कुछ ना कुछ करियर से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पंडित प्रकाश जोशी जी से बात करके हमने उपाय किया, बेटे को स्वास्थ्य में लाभ हुआ, धन्यवाद। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में, चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, तो पार्टनर के साथ में इस सप्ताह आप मूवी देखने जा रहे हैं, उनको होटल घुमाने ले जा रहे हैं, शॉपिंग करवाएंगे पार्टनर को, यानी कि वीकेंड में या तो दोस्तों के साथ में आप कोई मूवी का प्लान बनाएंगे या होटल कराएंगे। तो कुल मिला के आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, वीकेंड में पार्टनर को घूमने घुमाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह यानी 26 जून से 2 जुलाई तक जबरदस्त तनाव रहने वाला है। घर फैमिली मेंबर में आपस में मनमुटाव रहेगा, जिसको आपको शॉर्ट आउट कराना पड़ेगा। शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो क्लेश वाला सप्ताह रह सकता है। छठे भाव में जो शनि होते हैं वो मानसिक तनाव वाला ये सप्ताह रह सकता है। सर में दर्द, माइग्रेन की समस्या कुछ लोगों को रहने वाली है इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो स्वास्थ्य में, जैसा मैंने कहा, सर में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम और फैमिली मेंबर को ENT की प्रॉब्लम रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह कन्या राशि की बहुत अच्छी है। एक तो विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी अचानक आपको धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। किसी काम से आपको धन लाभ होगा, कोई धन संबंधी डील आपकी पुरानी रुकी हुई वो आपकी बन सकती है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। हाँ, धन आपका वाहन पे खर्चा भी होगा, यानी वाहन का या तो चालान हो जाएगा आपका, या वाहन का कोई पार्ट में आपका धन खर्च इस सप्ताह हो रहा है। करियर की बात करें तो करियर में आपका स्थान परिवर्तन का इस सप्ताह योग बन रहा है। या तो आपका प्रोजेक्ट चेंज होने के योग बनते हैं, या नया काम मिलने के योग बनते हैं, या स्थान परिवर्तन के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। नई नौकरी संबंधी आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई मेल आ सकती है, कोई नई नौकरी का जवाब आपको रिप्लाई मिल सकता है इस सप्ताह। साथ ही साथ वीकेंड पे मित्रों के साथ में आप पार्टी करने वाले हैं, किसी समारोह में जाने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो गज केसरी योग बन रहा है। यानी देखा जाए जो आपके पार्टनर है, खासकर वर्किंग जो आपके पार्टनर है, उनको पद का लाभ मिल रहा है, या नया नौकरी का कोई ऑफर या काम का नया ऑफर मिल रहा है। पार्टनर कुछ ऑनलाइन सीखने वाला है, कोई ऑनलाइन कोर्स भी करने वाला है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है चाहे आपके मैरिड पार्टनर है, वो कुछ ना कुछ एक्टिव रहने वाले हैं, ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं और सीखने वाले हैं इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं लिब्रंस की, यानी तुला राशि की। तो तुला राशि का ये सप्ताह
विपरीत राजयोग तुला राशि का बन रहा है, यानी विपरीत राजयोग राजयोग में सबसे महत्वपूर्ण राजयोग होता है। तो अचानक आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह काम संबंधी या करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम रहेगी, पेट की परेशानी, एसिडिटी की परेशानी इस सप्ताह आपको रह सकती है, पेट में जलन आपको हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। अचानक रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, शेयर से आपको लाभ मिल सकता है, म्यूचुअल फंड से आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, आपके फादर से को कोई सरकारी धन लाभ आपके माता पिता को मिलेगा और उससे आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी सप्ताह होने वाली है, यानी 26 जून से 2 जुलाई में। करियर की बात करें तो करियर में गजकेसरी योग बन रहा है, यानी ऑफिस में आपके काम की तारीफ आपके सीनियर करने वाले हैं। नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या नया पद आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी जो शिकायतें हैं करियर के प्रति वो सीनियर सुनने वाले हैं और कुछ ना कुछ उसकी प्रतिक्रिया भी देने वाले हैं। जो आपकी करियर में समस्या चल रही है उसका समाधान इस सप्ताह निकल सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो वैसे तो पति पत्नी और पार्टनर के लिए रिलेशन के लिए अच्छा सप्ताह है, लेकिन आपके पार्टनर का वाहन से चालान कट सकता है, पार्टनर का वाहन पे खर्चा हो सकता है, पार्टनर को करियर संबंधी परेशानियां रहेगी। आपका पार्टनर बड़ा ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है इस सप्ताह। संतान से वाद विवाद आपके पार्टनर के हो सकते हैं या संतान के प्रति चिंता पार्टनर को ज़्यादा रहेगी इस सप्ताह। इस सप्ताह संतान से उनको जूझना पड़ेगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पार्टनर के सरदर्द वाला ये सप्ताह रह सकता है। हाँ, पार्टनर आपका बिजी रहेगा। तो कुल मिला के चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, आपके पार्टनर को थोड़ा इस सप्ताह ज़्यादा कठिनाई वाला रहने वाला है। आप बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये जो सप्ताह है 26 जून से और 2 जुलाई में, वृश्चिक राशि का भी विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी विपरीत राजयोग तो बन रहा है लेकिन अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल इस सप्ताह मिलेगा। करियर में अचानक आपके बढ़ोतरी होगी, करियर से संबंधित नौकरी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है, लेकिन वहीं पर बिजली या वाहन पे अचानक आपका मोटा धन खर्च भी हो सकता है। इस सप्ताह करियर के लिए देखा जाए तो करियर में आप कुछ नया सीखने वाले हैं या कुछ नया सीखेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। सीनियर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, विदेश संबंधी काम आपका बन सकता है या विदेश में आपके जाने के योग बन सकते हैं या दूर लंबी दूरी की यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके ट्रैवलिंग के योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको दूर जाना पड़ सकता है या काम के सिलसिले में करियर के सिलसिले में ज़्यादा ट्रैवल इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए रिलेशनशिप अच्छा है पति पत्नी या लव कपल के बीच में। हाँ, पार्टनर को आपको शॉपिंग ले जाना पड़ेगा, उनको शॉपिंग करानी पड़ेगी, साथ ही साथ पार्टनर के साथ में किसी रिश्तेदारी के फंक्शन में आपको जाने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर ले धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह 26 से 2 जुलाई तक देखा जाए तो गज केसरी योग धनु राशि का बन रहा है। यानी अचानक धनु राशि की नदी पहाड़ों की यात्रा या तीर्थ यात्रा में जाने का योग बन जाएगा इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए घर की सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च हो सकता है, यानी कि घर के लिए आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह परिवार से थोड़ा सा आपकी कहा सुनी किसी टॉपिक को लेकर माता पिता से कहा सुनी आपकी हो सकती है, हालांकि वो कहा सुनी कुछ देर में शांत भी हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह पार्टनर और आपके पार्टनर का और माता पिता का अचानक हेल्थ के इशू आ सकते हैं, उनको सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। करियर में देखा जाए तो गज केसरी योग धनु राशि का बन रहा है, यानी कि ये सप्ताह करियर के लिए बड़ा लाभकारी है। आपको नई जॉब का ऑफर मिल सकता है या जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर भी पद धन लाभ के मौके इस सप्ताह मिल सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप में पार्टनर का इस सप्ताह जैसा मैंने बताया या आपके माता पिता का इस सप्ताह
एक दो दिन स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, फिर भी इस सप्ताह वीकेंड में घूमने आप जा सकते हैं, पार्टनर माता पिता को कुछ खरीदारी करा सकते हैं आप, यानी रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन माता पिता पार्टनर का एक दो दिन हेल्थ थोड़ा खराब रह सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपको मकर राशि वालों को वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, हल्का सा एक्सीडेंट या डेंट आपकी गाड़ी में लग सकता है, याद रखिएगा। लंबी दूरी की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, यानी 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा यदि आप कर रहे हैं, तो वाहन चलाते हुए सावधानी बरते, ड्रिंक करके आप ड्राइव बिल्कुल ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो याद रखिएगा मकर राशि वाले, इस सप्ताह 100 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा आप कर रहे हैं तो ड्रिंक करके बिल्कुल नहीं करनी है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है, पुरानी डील से अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, यानी पुरानी डील से आपके पास धन आएगा, इन्वेस्टमेंट से आपके पास धन आएगा, धन के किए गए प्रयास इस सप्ताह बहुत अच्छे सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो खूब मेहनत करनी है। करियर के लिए बात करें तो करियर के लिए इस सप्ताह शुक्र का विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि मैनेजमेंट और सीनियर से यदि आप बात करेंगे तो आपका पद धन लाभ होगा, आपको मनो मुताबिक काम भी मिल सकता है, आपके काम की तारीफ भी होगी, और सबसे बड़ी बात आपको अब इस सप्ताह अपने मुताबिक काम करने दिया जाएगा, यानी आपकी थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। अड़ोसी पड़ोसी जो मित्र हैं वो हॉलीडे में जाएंगे, उनका भी काम आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम की तारीफ भी इस सप्ताह होने वाली है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर है उनको सोसाइटी से कोई पद का ऑफर इस सप्ताह आ सकता है, या आपके पार्टनर का पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा कि सोसाइटी के अंदर क्या राजनीति हो रही है, कौन RWA का प्रेसिडेंट है, कौन हमारा ट्रेजरर है, ये इसकी बड़ा इंटरेस्ट आपके पार्टनर का उस पर जागृत होगा। और देखा जाए तो सोसाइटी के जन कल्याण के लिए आपका पार्टनर बड़ा एक्टिव इस सप्ताह रहेगा, कुछ नए कदम भी उठाएगा, साथ ही साथ लेकर देखा जाए तो आपका पार्टनर लोगों से वाद विवाद भी करेगा, सीनियर से वाद विवाद भी करेगा, तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके पार्टनर का राजनीति में इंटरेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो कुंभ राशि को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, इस सप्ताह आपके माता पिता से वाद विवाद होंगे, कर्मचारी लेबर से आपके वाद विवाद रह सकते हैं, सड़क पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, यानी गाड़ी चलाते हुए किसी से आप झगड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्रोध पे कंट्रोल करने की जरूरत है। बात करें धन की तो धन की स्थिति सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, मल्टीपल खर्चे होंगे लेकिन इनकम भी आएगी, यानी कि इनकम आपकी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ मल्टीपल खर्चे, माता पिता पे आपका खर्चा होगा, घर के कुछ काम कराएंगे उस पे आपका खर्चा होगा, GST टैक्स पे भी आपका खर्चा होगा, लेकिन इनकम का फ्लो भी आपका बढ़ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए करियर की स्थिति देखा जाए इस सप्ताह अच्छी नहीं है, सीनियर से आपकी कहासुनी हो सकती है, हर काम में आपके रुकावटें रहेंगी, साथ ही साथ देखा जाए तो सीनियर आपको ऐसा काम देंगे जिससे कि आप खुश नहीं होंगे, तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है करियर के लिए बहुत लाभकारी नहीं है, आपको काम भी हल्का फुल्का आपके मुताबिक नहीं दिया जाएगा, हल्का फुल्का काम आपको दिया जाएगा जिससे आप नाखुश रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, तो ये जो सप्ताह है एक तो पार्टनर से आपके वाद विवाद रहेंगे, और पार्टनर का कहीं ना कहीं अपने माता पिता के घर जाने के योग बनते हैं, पार्टनर भी थोड़ा परेशान रहेगा फैमिली से, तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है कुंभ राशि का रिलेशनशिप के लिए खासकर 26 से 2 जुलाई बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो 26 जुलाई से और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह 26 जून से 2 जुलाई तक अगर देखा जाए तो गज केसरी योग आपका बन रहा है, यानी आपको कोई शुभ सूचना इस सप्ताह मीन राशि को मिलेगी, या तो परिवार से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी, करियर से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी, भाई बहन या फैमिली के मेंबर में जो भी आपके मेंबर है उनसे संबंधित आपको शुभ सूचना मिलेगी, यानी इस सप्ताह शुभ सूचना की तो गारंटी है। इस सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि अचानक चोट के योग नज़र आ रहे हैं,
और पेट की परेशानी से आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। इस सप्ताह धन की स्थिति देखा जाए तो मीन राशि की बहुत अच्छी रहेगी। पहला चीज़, माता पिता से आपको कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, अचानक आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ पुराना फंड भी आपका TDS का जो रुका हुआ फंड है वो आपको मिल सकता है। इस सप्ताह अचानक ही नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा के योग भी वीकेंड में अचानक ही बनेंगे, यानी आपको मालूम नहीं होगा, अचानक ही आप हाँ बोलेंगे। करियर के लिए बात करें तो नई नौकरी के आपको ऑफर आ सकते हैं, या कोई ईमेल पे कोई इम्पोर्टेंट जवाब आपको मिल सकता है। नया काम, नया पद लाभ के योग इस सप्ताह आपको मिल रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो ऑफिस में आपको कोई नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए परिवर्तन को आपको सीखना पड़ेगा। तो कुल मिला के नया कोर्स करने के या ऑफिस में नया कुछ सीखने के आपके योग बनते हैं। बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप देखा जाए तो आपके पार्टनर का करियर बहुत अच्छा रहेगा इस सप्ताह। उनके पद का लाभ हो सकता है, उनको करियर में कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर को मिल सकती है, लेकिन हेल्थ से वो परेशान रहेंगे, पेट की प्रॉब्लम से परेशान रहेंगे और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। लेकिन करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा आपके पार्टनर के लिए रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में आप जैसा देख रहे हैं कि 21-22 मिनट की वीडियो है, इतना लंबा हम बोलते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज से जुड़िए। 21-22 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाता हूँ और आपके लिए लगातार बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं एक टेक में ये वीडियो बनी है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर बनिए करा करें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।